सो फाइनली वक्त आ गया है कि मुझे अपना सिस्टम बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने सारे जतन करके देख लिए हैं, मेरा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है। वो ऑन होता है और 15 सेकंड के बाद वो रीस्टार्ट हो जाता है, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। पूरा सिस्टम शट डाउन पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है कई दिनों से। सो मैंने एक फाइनली एक लैपटॉप परचेज किया है, एसुस का ज़ेफायरस G14, और मैंने उसको परचेज किया है ऑनलाइन, और देखते हैं कि वो अब कब आता है। और बहुत अच्छा लैपटॉप है, बट अभी मैंने उसको यूज़ नहीं किया, तो मैं उसका कोई भी अपडेट आपको नहीं दे सकता हूँ। जब वो आएगा तब मैं आपको अपडेट दूंगा, फिलहाल तो यही है कि सिस्टम सब बंद पड़ा। सोचा था सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत अच्छा वाला ग्राफिक कार्ड भी है, रैम भी बहुत अच्छी लगी है, मदरबोर्ड भी, सारे सिस्टम सब कुछ है, और इसी के ऊपर मेरा अपोलो का ट्विन भी लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। बट पता नहीं क्यों ये क्या ऐसी दिक्कत हो गई इसके अंदर, जो कि अब मैंने खुद भी सारी चीज़ें करके देख ली हैं, मैं कंपनी में भी ले गया, वहाँ से मदरबोर्ड भी चेंज होकर आ गया, लेकिन सेम प्रॉब्लम है। रैम भी ठीक है, क्योंकि दूसरे सिस्टम में रैम काम कर रही है। आज डिलीवर हो जाएगा लैपटॉप मेरा, सो फाइनली मैं अब लैपटॉप पे ही ऑडियो प्रोडक्शन का काम कुछ दिन के लिए करूँगा, जब तक कि ये चेंज होकर सारी चीज़ें नहीं आ जाती हैं, फिर उसके बाद मैं देखते हैं। और वो लैपटॉप भी जो है वो सस्ता नहीं है। ये एक मैंने बुक शेल्फ यहाँ पे बनाई है अपनी, जो मैं किताबें पढ़ता हूँ और रीड करता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू की सारी किताबें हैं। जैसे देखिए, उर्दू में भी यहाँ पे महकता आंचल वगैरह सारी चीज़ें हैं, हिंदी में भी है। अब जब मेरी उर्दू ठीक है, तो मैं मुझे उर्दू बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हिंदी मुझे पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। और ये भी एक लैपटॉप है जो मेरा लिनोवो का i3 लैपटॉप है, और इसमें मैंने इतना काम किया है कि अब इसने पनाह मांग ली है मुझसे। ये कहता है कि भाई बस करो, मुझे अब यूज मत करो, मैं इस लायक नहीं रह गया हूँ कि आप लोग मुझे इस्तेमाल करें। बट सिंगल लेयर ऑडियो प्रोडक्शन का सारा काम मैंने इस पे किया हुआ है। सिंगल लेयर ऑडियो प्रोडक्शन क्या चीज़ होती है, जिसमें एक लाइन पे सारा आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना होता है, और ये i3 है, 128 GB इसकी हार्ड ड्राइव है, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, और ग्राफिक कार्ड नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, बहुत स्लो काम करता है, लेकिन काम कर देता है, मेरा काम चल जाता था इससे। एक सिस्टम ये भी है जो मेरा पुराना सिस्टम था काफ़ी वक्त से, इसके अंदर मदरबोर्ड ये वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन बस वही बात है कि डेटा सारा जो मेरा है वो इसके अंदर है, तो मैं इसको भी चेंज, वही बात है कि हार्ड ड्राइव वगैरह मैं बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना चाह रहा हूँ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि भाई हार्ड ड्राइव से मैं बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर दूँ और सारा डेटा मेरा चला जाए। वैसे भी एक ड्राइव का जो मेरा डेटा है वो जा चुका है, और एक मेरा ऑनलाइन का सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है। ये भी एक लैपटॉप है, एसूस का ही लैपटॉप है, और लोड का प्रोकास्टर है। यहाँ पे मैं ऑनलाइन वीडियोस वगैरह जो बनाता हूँ वो सब हैं। ग्रीन स्क्रीन पीछे है, एक लाइट यहाँ है, दो लाइट यहाँ पर लगी, एक रिंग लाइट यहाँ पर लगी हुई है, और ये रोड का माइक्रोफोन है जिससे मैंने कनेक्ट करता हूँ, आ गया, अरे ये है, और जो मैं कॉलर में लगा लेता हूँ। बाकी इस रूम को तो आप लोग जानते ही हैं, ये मेरा मेन वोकल एरिया है, वोकल रूम है। ये रूम जो है वो बहुत ज़्यादा मैंने कोस्टिक कर रखा है इसको, एक सात लेयर के ऊपर एक्चुअली मैंने इस रूम को बनाया हुआ है। ये है TLM का 103 माइक्रोफोन, मैंने अभी माइक्रोफोन चेंज किया हुआ है, और पॉप फिल्टर वही है जो पिछले 10-12 साल से चल रहा है, तो फिलहाल अभी पॉप फिल्टर की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पॉप फिल्टर बाहर भी रखा हुआ है, दो पॉप फिल्टर और भी रखे हुए हैं। देखिए, बात ये नहीं कि आपको सिस्टम, आपको लैपटॉप कौन सा चाहिए, आपको डेस्कटॉप कौन सा चाहिए, बात ये है कि आपको क्या काम करना है। आपको म्यूजिक प्रोडक्शन करना है, आपको वॉइस ओवर का काम करना है, आपको मिक्सिंग करनी है, मास्टरिंग करनी है, आपको करना क्या है, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम लेते हैं। बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि हार्डवेयर से कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि जिसमें सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा हो, प्रीसेट और प्लगइन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, और आप लोग को भी समझना पड़ेगा। दो हेडफोन मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं, एक है AKG का, आई थिंक K72, एक ऑडियो टेक्निका का है, मेरे ख्याल से XCA20 है, ये कोरस के लिए मैंने लगा रखे हैं। एक हेडफोन यहाँ पर रखा हुआ है, कुछ एक हेडफोन शायद यहाँ पर भी है इस वाले सेटअप में, एक हेडफोन वहाँ पे लगा हुआ है। देखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ कि आप, मेरा जो स्टूडियो है ये म्यूजिक प्रोडक्शन स्टूडियो नहीं है, ये मिक्सिंग, मास्टरिंग, वॉइस ओवर, फिल्म डब, बैकग्राउंड स्कोर्स, इन सब के लिए है। अगर मुझे कहा जाए कि मुझे 8 वायलिन रिकॉर्ड करने हैं, 4 ढोलक वाले रिकॉर्ड करवाने हैं, तो शायद मुझे मुश्किल होगी, क्योंकि मेरे पास में साउंड कार्ड जो है वो इतने चैनल्स के नहीं है यहाँ लखनऊ में,
क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कभी रिकॉर्ड हो के आ भी जाता है तो मिक्सिंग मास्टरिंग हम लोग कर देते हैं। इनके बीच में डिफरेंसेस आप लोग को समझने पड़ेंगे कि ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडियो चलेगा, कैसा भी हो, हर स्टूडियो एक अच्छी रिकॉर्डिंग कर लेता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब हर स्टूडियो जो है रिकॉर्डिंग तो अच्छी कर लेता है, बट क्या वो कितने चैनल्स पे रिकॉर्ड कर रहा है, क्या वो ढोलक, तबला, हारमोनियम, बैंजो, यू नो, परकशंस रिकॉर्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितने चैनल का स्टूडियो है, ये भी बहुत देखना पड़ता है। और फिलहाल इस रूम के लिए मैंने अभी कुछ साउंड्स पैनल बनाए हैं। देखिए, जैसे दो यहाँ पे लगे हुए हैं, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो मेरा ये जो रूम है ये भी नेकेड वॉल के ऊपर है, बट साउंड प्रूफ तो नहीं हुआ है, साउंड्स के अटैक को इसने रोक लिया है। और वो मैंने जान करके ऐसी ऐसी जगहों पे लगाया हुआ है ताकि मेरा जो साउंड जहाँ पे निकलता है एक्चुअल, वहाँ से उसको उस अटैक को, वो पहले फर्स्ट अटैक को वो रोक सके। साउंड प्रूफ नहीं होता है, साउंड पैनल लगा देने से साउंड प्रूफ नहीं होता, ये बात तो आप लोग मान लीजिए। और ये वाली लाइट जो मैंने ली हुई है, ये फ्लेक्सी की लाइट है, और ये पीछे यहाँ पे बैकड्रॉप पे वाइट लाइट देती है ताकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। कि सिर्फ मैं ही अपने स्टूडियो में काम नहीं करता हूँ, ये स्टूडियो मेरा है, जगह मेरी है, मैं रेंट पे देता हूँ इस स्टूडियो को, और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आके रिकॉर्ड करते हैं, कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, कुछ ऑडियोज रिकॉर्ड करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साउंड पर से मुझको ही हटा देते हैं, कहते हैं भाई आप चले जाइए, आप स्टूडियो मुझे बस दे दीजिए, बाकी सारे काम मैं कर लूँगा। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा तो मिल रहा है ना। एक आर्टूरिया का मैंने की लैब एसेंशियल 49 मैंने मंगवाया था, जो कि लगा हुआ है मेरी टेबल के ऊपर, कॉर्ड वॉर्ड देने के लिए या कभी कभी म्यूजिक प्रोडक्शन करने के लिए काम आता है वो। देखिए, कुछ बातें आप लोग को भी समझनी ये होंगी कि पेशेंस, स्टूडियो अगर आप खुद क्रिएट कर रहे हो तो 24 घंटे आपके पास काम नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा, यू नो, अगर आप खाली वॉइस ओवर भी कर रहे हो तो 24 घंटे आप माइक पे नहीं रहोगे, ठीक है ना। आपको राइटिंग भी आनी चाहिए, आपको अच्छा सुनना भी आना चाहिए, बैकग्राउंड स्कोर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यानी बैकग्राउंड स्कोर्स यानी कि BGM, बैकग्राउंड म्यूजिक। देखिए, दो तरह के आर्टिस्ट होते हैं, एक वो आर्टिस्ट होता है जो खुद के स्टूडियो में काम करता है, एक वो आर्टिस्ट होता है जो दूसरों के स्टूडियो में जाके काम करता है। तो जो खुद के स्टूडियो में काम करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं खुद के स्टूडियो में काम करता हूँ, और अब मैं सिर्फ आर्टिस्ट नहीं रह गया हूँ, पहले मैं सिर्फ आर्टिस्ट था कि जो मेरे पास लोग रिकॉर्ड कराने के लिए आते थे उनको मेरी रिक्वायरमेंट होती थी, मेरे साउंड की रिक्वायरमेंट होती थी। बट अब चूंकि मैं साउंड के ऊपर थोड़ी सी मैंने कमांड हासिल कर लिया है, तो अब लोग ये कहते हैं कि मुझे मेरी एक्सपर्टीज की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो अब तो मैं जब हूँ तब मैं तो काम करता ही हूँ, उसके अलावा जब कोई और आता है तो वो ये कहता है कि भाई आप साउंड रिकॉर्ड कर दो। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं साउंड रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो आप लोगों को पेशेंस, सब्र बड़ा ही समझना पड़ेगा कि भाई देखो, हमेशा 24 घंटे आपके पास काम नहीं रहेगा, लेकिन जब भी आपके पास काम हो तो आप मेहनत से, जी तोड़, लगन के साथ काम करिए, बस मेरा इतना कहना है। अब जब मेरे पास लैपटॉप आ जाएगा, जो कि आज है 8th of April, और जो कि डिलीवरी डेट आज का दिखा रहा है, बट क्या वो आज आता है या कल आता है मुझे भी उसकी कंफर्म नहीं है, मुझे भी कंफर्म नहीं उसके बारे में, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से मेरा सिस्टम पूरा हिला हुआ है और मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा, कोई एडिट नहीं कर रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन सिस्टम जो है जिस पर मैं सारे काम करता था, भाई साहब वही जब काम नहीं कर रहा ना तो बड़ी तकलीफ होती है। और जब सिस्टम आपका काम ना कर रहा हो तो देखिए मॉनिटर कितने गंदे गंदे से लगते हैं, सारी चीज़ें कितनी अजीब सी दिखने लगती हैं कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है यार, ये देखो सब बंद पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से, वो सिस्टम भी, उस सिस्टम में तो खैर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और क्योंकि सारा डेटा जो है मेरा वो भाई साहब इसके अंदर है। और देखिए, चलते चलते मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस एक और एपिसोड बनाऊंगा मैं, जब मेरा लैपटॉप आ जाएगा उसके ऊपर मैं कमांड हासिल कर लूँगा और जो सारी कॉन्फिगर हो जाएगा वो लैपटॉप, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पता नहीं आएगा, इन प्री इंस्टॉल्ड आएगा या डालना पड़ेगा, मुझे भी एग्जैक्टली मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत यूट्यूब पर देखा नहीं। मैंने एक फ्रेंड से पूछा कि यार एक लैपटॉप मुझे सजेस्ट कर दो, तो उसने मुझे दो लैपटॉप सजेस्ट किए, एक एप्पल का था जो कि ऑलरेडी मेरे पास एप्पल का मैकबुक प्रो है, बट मैं विंडोज़ का चाहता था और थोड़ा छोटा चाहता था जो कि मेरे पास आए, मेरे एक बैग में आ जाए। तो मैंने फिर एसूस के ऊपर थोड़ा सा बिलीव दिखाया और तकरीबन वो जब आ जाएगा तो एग्जैक्टली उसके क्या रेट्स हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या स्पेसिफिकेशन है, सब मैं आपको बताऊंगा।